अविनाश मिश्रा और विविन सेना की दोस्ती जो है वो दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छे से वो भी नॉमिनेट करने के बाद भी विविन और अविनाश जो है वैसे के वैसे हैं बल्कि जो है उनकी दोस्ती में और ज्यादा क्लोजनेस जो है वो आ चुकी है पर बाहरी दुनिया में कुछ लोग जो है वो काफ़ी तरह तरह की बातें कर रही हैं देखिए कुछ लोग जो है इस लॉजिक को इस पैतरे को इस मूव को जो है समझ चुके हैं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि विवियन को और उसी दौरान ही अविनाश को डिफेम कर रहे हैं उनका कहना ये है कि ये भी जो है इनकी चाल थी और विविन इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि विविन को इससे फायदा हो रहा है इसीलिए विविन जो है उसके साथ साथ रह रहा है ऐसी बात कर रहे हैं वहीं पर जो है लोगों का कहना ये है कि भाई जब शिल्पा ने करण को किया था तब तो बहुत सारे लोग जो है यही बोलने लग गए इवन बिग बॉस ने भी भिगो भी भी भिगो भिगो के चप्पले जो है शिल्पा को हर वक्त मारी और बहुत ही ज़्यादा बुरा जो है करण को लगा और करण ने दिखाया भी कि हाँ भाई मुझे बुरा लगा है तो उस वक्त आखिरकार ये लोग कहाँ गए थे जो लोग जो है अब विविन और अविनाश का साथ दे रहे हैं तो चलिए इस चीज़ के ऊपर जो है गौसिब करते हैं आखिरकार इन लोगों थोड़ी गलतफहमी जो है वो दूर करते हैं ये बात मैंने नहीं इस बातों में जो है, 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 है।, है बहुत ही प्यारी लग रही है इनकी और यही चीजें जो है लोग बाहरी दुनिया में देखना चाहते हैं इवन अविनाश को जो है जिम करते हुए क्रांप वगैरह वगैरह जो दर्द होने लग जाते हैं मोच वगैरह आ गई थी तो अविनाश को खुद ने बोला कि तू लेट जा मैं उसको दबा देता हूं कि रिलैक्स हो जाएगा तेरा मसल और वो चीज जो है उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अविनाश मिश्रा के लिए की अविनाश मिश्रा का आज बर्थडे भी है लाइफ फिट के हिसाब से और उन्होंने कल रात केक भी कट किया और अविनाश को जो है उन्होंने सरप्राइज भी दिया और अब जो है उन लोगों का जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको मैं जवाब देना चाहती हूं कि अविनाश ने ही बोला था अभी आज आप एपिसोड में देखेंगे बहुत सारे लोग जो उंगली उठा रहे हैं उनको भी जो है इवन अविनाश मिश्रा ही जवाब दे देंगे क्योंकि ऐसे ही सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो करणवीर ने भी पूछे और करणवीर भी जो है चाहता है कि वो विवियन से लड़ाई कर ले पर विवियन के साथ लड़ाई जो है कभी भी अविनाश मिश्रा नहीं करेगा अविनाश ने बोला कि भाई जब शिल्पा को शिल्पा ने नॉमिनेट करण को किया था तब उस वक्त शिल्पा के पास कोई भी वाजिद कारण नहीं था और इमीडिएटली जो है उसने वो मतलब कि पैंतरा अपनाया और वो चीज़ कर दी मेरे पास दो हफ्ते से वो रीज़न था और मैं हर एक कैमरा में जो है वो बात बोल रहा था और यहाँ तक कि मैंने बहुत बार उस चीज़ के बारे में जिक्र जो है वो भी विवियन के साथ विवियन के सामने किया है यानी कि वो बात कर रही हैं टीम टीम करण टीम विवियन और इसीलिए नॉमिनेशन टास्क में वो करणवीर को तो करना चाहते थे नॉमिनेट पर उसी दौरान ही उन्होंने विविन डिसेना को इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि वो ये बताना चाहते थे हर किसी को कि वो करणवीर की टीम में तो है ही नहीं है पर वो विवियन की भी टीम में नहीं है पर विवियन उनका भाई है भाईचारा ऑन टॉप रहेगा रिश्तेदारी ऑन टॉप रहेगी ये रिश्ता बाहर भी वैसे ही चलेगा घर के अंदर भी वैसे चलेगा पर मैं टीम में नहीं हूं अगर अगर अविनाश जो है करणवीर को कर देते और विवियन को नहीं करते या अपनी टीम में से किसी और को भी अगर कर कर देते तो अलग बात होती तो इसीलिए जिस टीम के बारे में बोला जा रहा कि भाई ये टीम का हेड है उसी को कर दिया करण को करते नॉमिनेट तो लोग क्या बोलते कि हाँ भाई और घर के अंदर लोग क्या बोलते हैं कि भाई दो टीम्स है करणवीर वर्सेस विवियना तो करण विविन की टीम में अविनाश है इसीलिए करणवीर को उसने नॉमिनेट कर दिया और जो करणवीर की टीम में है वो लोग जो है वो कर रहे हैं अविनाश अभि, को ईशा को इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं बग्गा को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि वो लोग जो है करणवीर की टीम में है इस चीज को इस चीज को खत्म करने के लिए ये कदम जो है वो अविनाश मिश्रा ने उठाया तो अविनाश मिश्रा ने जो भी बातें बोली खुद विविंद डिसना उसके ऊपर सवाल नहीं उठा पाए कोई भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता है अगर जो लोग सवाल उठा रहे हैं अगर वो भी घर के अंदर जाएंगे तो क्या किसी की छत्र छाया में रहना चाहेंगे या वो रहना चाहेंगे कि हाँ भाई वो फलाने की टीम में है वो फलाने की टीम में और इसीलिए जो है वो उसको सपोर्ट करता है बिल्कुल नहीं वो ये बात कहलाना चाहेंगे कि मेरी टीम में सब लोग हैं मैं हेड हूँ और हर कोई हेड बनना चाहता है अपनी पिक्चर का हीरो जो है हर कोई रहता है पर सब जगहों पर हीरो बनना चाहता है और इस शो में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आए तो बहुत मामूली थे पर गए हीरो बन और आप लोगों को पता है कि किन किन सदस्यों की जो पुराने थे उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ तो ये है उन लोगों का जवाब जो लोग अब सवाल उठा रहे हैं पर भाईचारा अभी भी ऑन टॉप है और इस दोस्ती को देख के मुझे तो भाई खुशी हो रही है इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत नमस्कार